नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर हनीत कौर है और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ उसका सबसे मेन टॉपिक है डार्क सर्कल्स। अब मैं जैसे डर्मा प्लानिंग करती हूँ और मैं स्किन केयर के ऊपर आपको एडवाइस करती हूँ क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, घर पे पड़ी चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हो, तो मैं इन चीज़ों में काइंड ऑफ एक्सपर्ट हूँ। बालों का मामला ठीक है, इनमें थोड़ा सा मैं कमज़ोर हूँ क्योंकि मैं खुद अपने बालों का ज़्यादा ख्याल नहीं रखती, मुझे सिर्फ स्किन का मेन होता है, तो स्किन का मैं अपना भी ख्याल रखती हूँ, आप लोगों का भी ख्याल रखती हूँ। अब जो लोग मेरे से कॉन्टिन्यूसली पूछ रहे हैं कि डार्क सर्कल्स का क्या करें, अब देखो वो डार्क सर्कल्स हेरिडिटरी मेरे भी थे क्योंकि हम लोगों की डीप सीटेड आइज होती है तो वो ज्यादा डार्क लगता है, तो विद गुड स्किन केयर इतने सालों में मेरा थोड़ा सा डार्क सर्कल्स में फर्क पड़ा है, तो वो मैं चीजें आपको बताती रहती हूँ। जैसे ग्रीन टी कॉफी वाला मैंने एक पैक अपना टिकटॉक पे बताया, आप जाके वहां पे देख सकते हो। लेकिन कई लोगों का ऐसा डार्क सर्कल होते हैं जैसे आईज ऊपर से भी डार्क, यहाँ से परमानेंट पिगमेंटेशन होती है उनकी, तो उनका फर्क नहीं पड़ सकता। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि मैं आपको सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकूं कि कैसे फर्क पड़ता है, पर डार्क सर्कल्स कैसे होते हैं ये खुद से आपके जा सकते हैं, पर जिन लोगों की आईज बचपन से ही जैसे डार्कनेस है यहाँ पे वो बहुत मुश्किल है जाने, चाहे आप कोई भी क्रीम यूज करो, आप कोई भी ट्रीटमेंट लो, ये वापस आने ही आने, क्योंकि आपकी बनतर ऐसी है, आपकी बॉडी बनाई ऐसी कि आपका चेहरा ऐसे ही बनाया गया कि वो डार्क सर्कल्स रहेंगे। मैं तो बोलती होती हूँ जो मेरे पास क्लाइंट्स कई बार आती होती है डार्क सर्कल का बोलने कि आपको तो भगवान ने नेचुरल स्मोकी आई दी है, आपको तो मेकअप करने की भी जरूरत नहीं, तो उसके एज अ पॉजिटिव लें, इसमें दुखी ना होया करिए। बहुत सारी चीजें जैसे कि मेकअप, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो मेकअप की बनाने जा रही हूँ, आप अपडेटेड रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मेरी होने वाली है मेकअप की, जिन लोगों को अपनी कुछ चीजों से प्रॉब्लम है तो वो मेकअप से कैसे हाइड कर सकते हैं टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। अब डार्क सर्कल्स के लिए क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोना, अगर आप सोओगे नहीं तो वो और बढ़ते जाएंगे। तो मे भी कई लोगों के इसलिए सिर्फ स्ट्रेस की वजह से, रोने की वजह से, कई बार फैमिली में कोई ट्रबल होती है, कोई पर्सनल लाइफ में इश्यू होता है तो बंदा रोता रहता है, तो उसकी वजह से डार्क सर्कल्स ज्यादा नजर आते हैं। तो आप मतलब स्ट्रेस ना लीजिए, आप खुश रहिए और आप सोने की कोशिश कीजिए। आजकल तो 21 दिन बहुत अच्छा टाइम आपके लिए, आप घर पे रहिए, सोइए, ज्यादा से ज्यादा टाइम सोइए, ब्यूटी स्लीप लीजिए अपनी एंड अपनी आईज का ख्याल रखिए। सेकेंडली, अब सुबह उठते हो, अभी गर्मियां आ गई हैं तो बहुत ईजी है, गर्मियों में जो ठंडे पानी का स्प्लैश रोज सुबह जैसे अपना हाथ उठते हो ब्रश करते हो ना, ठंडे पानी का स्प्लैश अपनी आईज में मारे 2-3 मिनट, जब तक आपकी आईज में थोड़ी सी एक वो फीलिंग नहीं होती कि बस, आईज खुद बोल देंगे कि बस और नहीं, तो तब तक अपनी आईज पे ठंडे पानी का स्प्लैश करते रहिए, उससे बहुत ज्यादा सर्कुलेशन बढ़ती है और अच्छा रहता है। सेकेंडली, आप सोने वक्त क्या कर सकते हो, जो भी मॉइस्चराइजर फेस पे लगाते हो, जैसे कोई, मैं कहती हूँ कि वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाओ, मैं सबको बोलती हूँ, सिर वाला कोकोनट ऑयल नहीं, जो खाने वाला होता है वो वाला फेस पे लगाओ। वो वाला लगाने से क्या होगा कि आप रात को यहाँ पे ना बस जैसे आप देख रहे हो ऐसे मसाज करके सो, जो भी ऑयल लगाते हो यहाँ, बिल्कुल यहां नहीं जाना जहां काजल लगाते हैं, उसको टच नहीं करना, आंखों के अंदर चला जाएगा ये हिस्सा जो है ना, इसके ऊपर ऐसे 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 ना टैप करो दोनों हाथों से। तो आप जब ऐसे करोगे ना, रोज टैप करना है, जो भी रात को ऑयल लगा के सोना है, सोने से पहले ऐसे टैप करके सोना है, तो यहाँ के भाई ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी। हमें क्या करना है, यहाँ पे कंजेस्टेड होती हैं जो खून की नाड़ियां ना, वो कंजेस्टेड हो पई है, वो मतलब जैसे अकड़ी सी हुई है, हमने उनको चलाना है, तो चलाना कैसे है, मसाज करके। तो रात को सोने से पहले ऐसे 30-40 सेकेंड ना ऐसे मसाज करके दोनों आईज के नीचे और फिर सो गए, इससे आपका ग्रेजुअली इफेक्ट आएगा। इसके अलावा और ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आपके डार्क सर्कल्स जाएं। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, सर्जरी होती है, ये होता है, देखो हर चीज के बाद उसके साइड इफेक्ट्स भी और बढ़ जाते हैं, तो एक तो चीज आपने आपको एक्सेप्ट कर लो कि आपको जैसे भगवान ने बनाया आप वैसे उसमें खुश रहें, इसको नेचुरल स्मोकी आई समझ के इस पे खुश रहने की कोशिश करें। काजल लगाती हैं कई लड़कियां, उससे ज्यादा एग्जैगरेट होता है, कई लड़कियां काजल लगाना छोड़ें, हल्का सा बाहर जाने वक्त कंसीलर लगा सकते हो, तो आप वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखोगे, मैं उसमें एडवाइस दूंगी। बाकी आप पानी ज्यादा पिए, वो तो आप हर चीज के लिए जरूरी होता है, और मेन चीज जिनको आंखों पे चश्मे लगे हैं और डार्क सर्कल्स हैं, आपके लिए तो ये मसाज वाली चीज बहुत और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखों पे आपके वैसे भी सारा दिन स्ट्रेन पड़ता है। फोन को कम देखें, फोन में नाइट मोड ऑन करें, हर फोन में जो आजकल फोन आता है ना, स्पेशली आईफोन वालों में भी, एंड्रॉयड में भी आता है, नाइट मोड ऑन करें, जिससे कि ब्राइट चमकीली लाइटें आपकी आंखों पे नहीं पड़ेंगी, थोड़ी डिम होके लाइट पड़ेंगी, रात के टाइम पे लाइट डिम कर लो, आंखों पे ज्यादा जोर मत दो, स्ट्रेन पड़ने से भी डार्क सर्कल ज्यादा बढ़ते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाला तरीका आपको सबसे ज्यादा काम करेगा। अब ठंड ठंड वाला मौसम चला गया, अब गर्मियां आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे एलोवेरा जेल कुछ भी आप जो लगाते हो, मॉइस्चराइजर ऑयल लगाते हो, मॉइस्चराइजर कुछ भी लगाते हो, उसको यहाँ पे आपने पैट करना है आईज के नीचे ऐसे करके,
ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। बाकी जो मैंने ग्रीन टी और कॉफी बोला है वो आप रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हो। सुबह फेस वॉश में थोड़ी सी कॉफी मिक्स कर ली, फेस वॉश कर लिया, उसे वैसे ही पूरा चेहरा एक बार ब्राइटन अप हो जाता है। तो ये चीजें आप कर सकते हो। पर जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इसका कोई ऐसा इलाज बताओ, डर्मा प्लानिंग से हो सकता है या मैं ऐसा कोई ट्रीटमेंट देती हूँ, कोई क्रीम बता दो, कोई इलाज बता दो, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। आई एम रियली सॉरी। अगर आपको लगता है कि यू नो समवन एल्स इज ऑफरिंग, कोई और आपको बता सकता है बेहतर, तो आप उनका कहना मान लीजिए, लेकिन मेरे पास नहीं है पर्सनली। मैं बहुत कुछ अपने लिए और अपने पेशेंट्स पे भी ट्राई किया, कुछ वर्क नहीं करता। तो एक तरह आप यही कह सकते हो ये दो तीन चीजें हैं जिनसे थोड़ा सा इफेक्ट आता है जो आपको खुश कर सकता है, लेकिन इसका कोई परमानेंट इलाज वो मेरे पास नहीं है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट ये चीजें आप ट्राई करें, इनको ये आप पे वर्क करती है कि नहीं करती मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। एंड बाकी ये है एंड में कि देखो जैसे मुझे है ना, मोटा हो, पतला हो, दुबला हो, काला हो, गोरा हो, जैसा मर्जी है, अगर भगवान जी ने शरीर दिया है किसी कारण के लिए दिया है, किसी अच्छे काम के लिए दिया है, उसमें यूज करें। इन छोटी छोटी चीजों में ना टेंशन लें कि आंखें काली हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है। थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बताती रहती हूँ कैसे स्किन को अच्छा करना है, लेकिन जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर ज्यादा दुखी मत होइए और अपने आप में खुश रहना सीखिए। तो आई होप आप इस चीज को पॉजिटिवली लें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। मैं कोशिश करती रहूंगी, जैसे अगर मुझे लगा कभी कि कोई डार्क सर्कल का कोई ऐसी चीज है जो वर्क करती है तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। पर अभी के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है जो डार्क सर्कल को परमानेंटली खत्म कर सके। हाँ, डर्मा प्लानिंग से डार्क सर्कल जिनके नीचे हिस्से पे पिगमेंटेशन और मिलाजमा है वो ठीक हो सकता है, पर आंखों के नीचे का जो पतला हिस्सा घेरियों वाला, वहां पे ब्लेड नहीं मारते और वो हिस्सा मैं नहीं कर सकती। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट ये कुछ जो चार पांच टिप्स हैं आप ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपके लिए वर्क की कि नहीं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज बिकॉज मैं आपके सभी टॉपिक्स पे धीरे धीरे वीडियोज बनाती रहूंगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते। बाय बाय।